Hi everyone, namaste and welcome to my channel. If you are new to my channel, then hi, my name is Mousumi and I make videos, makeup and lifestyle. If you are interested, then please subscribe to my channel and also press the bell icon that whenever I post a video, you will get notified and you never miss my any video. तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो है ये फुल फेस और मेकअप ट्यूटोरियल यूजिंग ओनली 5 प्रोडक्ट. दिस इज़ द मेकअप लुक आई क्रिएटेड यूजिंग ओनली 5 प्रोडक्ट. और आप बिगिनर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि बिगिनर्स लोग क्या होता है कि बहुत कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं लेकिन इतना ज़्यादा मनी भी नहीं होता है कि सारा कुछ पहले ही खरीद लूँ. तो आज के वीडियो में मैं वही दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से आप एक ही प्रोडक्ट को यूज़ करके, मतलब डिफरेंट वेरिएंट में यूज़ कर सकते हो और मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो. सो देखते हैं कि 5 प्रोडक्ट से किस तरीके से मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है. स्किन केयर इज ऑलरेडी डन, नाउ मूविंग ऑन टू मेकअप. और मेकअप में मैं फर्स्ट प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, ये मेबिलिन फिट मी का फाउंडेशन. और मेरा शेड है 310 सन बेज. डॉट डॉट करके मैंने अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है. फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पे ये एक वेट स्पंज ले रही हूँ और उसे डैब डैब करके ब्लेंड कर लिया है मैंने अपने पूरे फाउंडेशन को. अंडर आइज पे भी मैं फाउंडेशन को ही लगा रही हूँ एज अ कंसीलर, ताकि जो भी पिगमेंटेशन है, जो भी डार्क सर्कल है वो हाइड हो जाए. और आई लिड पे भी लगा रही हूँ ताकि जो भी कलर में लगाऊंगी आई शेडो वो अच्छे से पॉप आउट हो जाए. और अपने फेस को हाइलाइटिंग के लिए भी यूज़ कर रही हूँ. और यहाँ पे मैं कंसीलर को स्किप कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं 5 प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ और फाउंडेशन ही मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है. और अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ मैं अपने ब्यूटी स्पंज की मदद से. और प्रोडक्ट को ज़रा ड्रैग नहीं कर रही हूँ, जहाँ मुझे कवरेज चाहिए वहाँ पे डैप डैप करके ब्लेंड कर रही हूँ. मेरा सेकंड प्रोडक्ट है ये लिपस्टिक, और ये रेड कलर का लिपस्टिक है और इसे मैं एज ए ब्लश यूज़ करूँगी. थोड़ा सा ही प्रोडक्ट मैं अपने चिक्स पे ले रही हूँ और पहले अपने फिंगर की मदद से उसे ब्लेंड कर रही हूँ और बाद में उसे ब्यूटी स्पंज की मदद से ब्लेंड कर लूँगी. सेम विथ माई अदर चिक्स. और जो मेरा थर्ड प्रोडक्ट है ये है वेट एंड वाइल्ड का मेगा गो कॉन्टोरिंग पैलेट. और मेरा शेड है कैरेमल टॉफी. उसमें से ये बनाना शेड को मैं ले रही हूँ और वहाँ पे लगाऊंगी जहाँ पे फाउंडेशन क्रीज होने का चांसेस ज़्यादा है, लाइक माई अंडर माई आईज, आई लिड पे और टी जोन एरिया पे जहाँ पे थोड़ा बहुत स्वेट होता है. और जो भी एक्सेस प्रोडक्ट बचेगा मेरे लेफ्ट ओवर ब्रश में उससे मैं अपने पूरे फेस को सेट कर लूँगी. नाउ मैं यहाँ पे वही कॉन्ट्रोलिंग पैलेट में से ये कॉन्ट्रोल शेड ले रही हूँ और अपने फेस को कॉन्ट्रोल करूँगी, क्योंकि फाउंडेशन और पाउडर लगाने के बाद फेस का जो नेचुरल स्ट्रक्चर होता है वो मिट जाता है. उसको वापस लाने के लिए मैं कॉन्ट्रोलिंग शेड को लगा रही हूँ और हॉलो जक मैं चीक्स में लगा रही हूँ और डबल चिन में लगा रही हूँ. और सेम विथ माई अदर साइड. प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे हेयरलाइन पे भी लगा रही हूँ क्योंकि फाउंडेशन लगाने के बाद हेयरलाइन पे एक वाइट सा लाइन आ जाता है, उसको मिटाने के लिए ब्रश को थोड़ा सा पिंच करके यहाँ पे मैं अपने नोज को भी कॉन्ट्रोल कर रही हूँ. नाउ मैं अभी आईब्रो को फिलअप करूँगी. उससे पहले मैं अपने क्लीन स्पूली लेके अपने आईब्रोज को कॉम कर रही हूँ. और हुडा ब्यूटी का रोज गोल्ड पैलेट ले रही हूँ और ये मेरा थर्ड प्रोडक्ट है. उसमें से ये ब्लैक एंड ब्राउन शेड को ले रही हूँ और एक स्मॉल एंगल ब्रश ले रही हूँ अपने आईब्रोज को फिलअप करने के लिए. आईब्रो की मिड पार्ट से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और आईब्रो के जो टिप है उसको थोड़ा सा डार्क करूँगी. और कोई भी प्रोडक्ट मैं नहीं ले रही हूँ और जो भी प्रोडक्ट बच गया है उसी से ही मैं अपने आईब्रोज की फ्रंट पार्ट को फिल कर रही हूँ. और सेम एंगल ब्रश की मदद से प्रोडक्ट को मैं अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ. सेम प्रोसेस मैं यहाँ पे अदर आईब्रोज पे भी कर रही हूँ.
स्टार्ट कर रही हूँ आई मेकअप और वही आई शेडो पैलेट में से ये बेस शा कलर लेके मैं अपने क्रीज लाइन पे लगाऊंगी एक ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से। कलर को मैं यहाँ पे अच्छे से अपने क्रीज लाइन पे ब्लेंड कर रही हूँ। नाउ मैं यहाँ पे एक रेड शेड ले रही हूँ और एक छोटा सा पेंसिल ब्रश की मदद से मैं आईलिड के सेंटर पे लगाऊंगी। नाउ मैं उसी सेम ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से दोनों कलर्स को अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी क्रीज लाइन पे। रेड शेड को मैं थोड़ा सा और ज़रा इंटेंसिफाई करने के लिए अपने फिंगर की मदद से अप्लाई कर रही हूँ। नाउ यहाँ पे मैं ये ब्लैक शेड लेके उसे सेम स्मॉल एंगल ब्रश की मदद से एज ए लाइनर ड्रॉ करूँगी। लोअर लैश लाइन पे भी मैं सेम रेड शेड को अप्लाई कर रही हूँ। ब्लैक आई शेडो को मैं लोअर लैश लाइन पे भी लगा रही हूँ और ऊपर के ब्लैक आई शेडो के साथ ब्लेंड कर रही हूँ सीमलेसली। ब्लैक एंड रेड शेड को अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ एक पेंसिल ब्रश की मदद से। नाउ हाइलाइटर के लिए सेम आई शेडो पैलेट में से एक शैम्पेन सा शेड में ले रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने हाथ पे लेके उसको एक्सेस प्रोडक्ट को रिमूव करूँगी क्योंकि ये फ्रेश आई शेडो है और थोड़ा सा ही प्रोडक्ट में एज ए हाइलाइटर यूज़ करूँगी। और ये आई शेडो बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल है, इसमें बहुत सारे कलर्स है जिसमें से आप बहुत सारे लुक क्रिएट कर सकते हो। मैंने अपने हाई पॉइंट्स पे लगाया है, थोड़ा सा नोज़ पे भी लगाया है। एंड नाउ लिपस्टिक मैं वही सेम रेड शेड ले रही हूँ। नाउ माई फिफ्थ प्रोडक्ट इज मस्कारा और मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेबेलिन वॉल्यूम एक्सप्रेस वाटरप्रूफ मस्कारा। अपने लैश लाइन को अच्छे से कोट कर रही हूँ, अपर लैश लाइन और बॉटम लैश लाइन को, और मेरे आईब्रोज को सेट करने के लिए भी मैं वही मस्कारा यूज़ करूँगी। सेम विथ माई अदर आईब्रोज और अदर आईज पे भी। ओके, दिस इज माई फाइनल लुक, आई होप आप लोग को पसंद आएगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया और हेल्पफुल रहे। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक ब्रांड न्यू कॉन्टेंट के साथ। बाय।